वॉर पूरी तरीके से कर रही है रोर एट द बॉक्स ऑफिस. यस, वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त ज्योति नाहक. वॉर यानी कि ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ स्टारर वॉर में डेफिनेटली जब रिलीज हुई फिल्म, फर्स्ट डे ही फिल्म ने बम्पर कमाई कर ली. पहले ही दिन लोगों को इतनी पसंद आई फिल्म, एवरीवन इज लिटरली इन ऑ ऑफ द फिल्म. ऋतिक और टाइगर से नजरें ही नहीं हट रही है, स्टोरी इतनी धमाकेदार है, एक्शन पावर पैक है. फर्स्ट डे ही इस फिल्म ने ऑलमोस्ट 85% ऑक्यूपेंसी रेट के साथ इस फिल्म ने 52 करोड़ का बिजनेस कर लिया. पहले ही दिन फिल्म ने हाफ सेंचुरी मार दी. उसके बाद जब इस फिल्म का ऑफकोर्स सेकेंड डे कलेक्शन आया वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, तो फिल्म अच्छी जा ही रही है. लेकिन क्योंकि जिस दिन ये फिल्म रिलीज हुई उस दिन एक हॉलीडे था, जी हाँ, नेशनल हॉलीडे होने की वजह से भी इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा यू नो एक हाइकअप मिला. लेकिन उसके बाद ऑफकोर्स वीकडे आ गया और ये फिल्म जो है वीकडे के वजह से इसका 55% ऑक्यूपेंसी रेट घट गया. जी हाँ, 55% ऑक्यूपेंसी रेट सडन ड्रॉप आ गया इसमें. लेकिन उसके बावजूद इस फिल्म ने अपने सेकंड डे पर 22.4 करोड़ का बिजनेस किया, विच बिकम्स द टोटल ऑफ 74 करोड़. लगभग 74-75 करोड़ इस फिल्म ने कमा लिए हैं महज दो दिन में. यानी कि ये फिल्म शायद पहली फिल्म बन जाएगी जो तीन दिन में 100 करोड़ क्लब में सीधा एंटर हो जाएगी. और ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस तो कही जा ही रही है. लेकिन कमर्शियली भी बॉक्स ऑफिस पर हिट डिक्लेयर होने के लिए इस फिल्म ने हर पड़ाव को पार कर लिया है. और उसके साथ साथ ये फिल्म जो है कमर्शियली सक्सेसफुल हो चुकी है और फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो चुकी है, बिकॉज महज दो दिन में फिल्म ने 74-75 करोड़ का बिजनेस कर लिया है, विच इज अगेन अ बैंग ऑन ऑफ द यू नो स्टार कास्ट. हर किसी के लिए इट्स अ बूम बूम सिचुएशन. एंड डेफिनेटली फिल्म बहुत अच्छी है, एक्शन बहुत अच्छा है. आपने अभी तक देखी या नहीं देखी? नहीं देखी तो जाओ जरूर देखो एंड कमेंट सेक्शन में मुझे जाके बताइए कि और क्या क्या जानना चाहते हैं ऋतिक टाइगर वॉर के बारे में. दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ.